पूरा नाम बताइए। पल्ली नीलेश सर। क्या मामला है, क्या आपके साथ हुआ था जो घटना घटी? साथ हुआ था। हाँ, यहाँ पे अखिलेश्वर साई के भाई छोटे बीबू साई हैं, उनके लड़की का बढ़ई था। अखिलेश्वर साई कौन है? अखिलेश्वर साई। कहाँ का निवासी है ये? ये ग्राम पोस्ट सिंघा। सिंघा कहाँ का हुआ था? तो अखिलेश्वर साई के छोटे भाई बीबू साई के लड़की का बढ़ई था, जिसमें आमंत्रित किए थे सबको, एक एक लोग को खाने के लिए। तो हम गए थे, खाना खा लिए, खाना खा के बगल में ऑर्केस्ट्रा चल रहा था उनके घर के बगल में ही, वहाँ पे कुर्सी पर सारे साई लोग बैठे थे, मैं भी वहाँ कुर्सी पर बैठ गया। उसके बाद राहुल साई देखे हमको, पूछे किसके लड़के हो, तो हम बताए तुलसी प्रधान के लड़के हैं। तभी इतना सुनकर हमको मारने लगे, कहे चमरिया की जात, तुम्हारी औकात क्या है बैठने के लिए, तुम्हारा बाप हमको भूज दिया है। राहुल साई कौन है? वो राहुल साई प्रमोद साई के लड़के हैं। तो उसके बाद मारते मारते ले आए बीबू साई, अखिलेश्वर साई, दोनों लोग, ये लोग भी मारे मार के रूम में बंद कर दिए थे। रूम में बंद थे, काफ़ी समय बीत गया, तो मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर दिया, ऑडियो रिकॉर्डिंग, और जिम में रख लिया। उसके बाद मम्मी पापा को फ़ोन किए लोग 12:30 बजे, ये लोग गए, ताला मारा गया था, फाटक खुलवाए, अब फाटक खुलवा के इनके सामने ही बहुत मारे। उसके बाद मम्मी बचा रही थी, हम पकड़ रही थी, उनको भी मार के खदेड़ ढकेल दिए लोग, वो भी गिर गए। ये बताइए अभी आप लोग मतलब कोई मामला, अभी कोई दिक्कत वगैरह? हाँ दिक्कत है, कहीं जाओ नहीं पा रहे हैं, लोग धमकी दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि कटवा देंगे, पड़ोनों में कहाँ रहते हो, इसके डर से कहीं जा नहीं रहे हैं। जान वाला खतरा है आप लोगों का? हाँ खतरा है। तो आप क्या गुहार लगाएंगे शासन प्रशासन से, क्या मतलब कहना चाहेंगे उन लोगों? क्या कहना चाहेंगे शासन प्रशासन से, क्या गुहार लगाएंगे? यही गुहार लगाएंगे जल्द से जल्द इन लोगों का गिरफ्तारी हो, कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? लौंगी जी। गैनी बाबू हमारे ढुका लोग, बाबू का नाम है आपका? नीतीश। हाँ गैनी तो मारे लगना लोगन बाबू हमारे, अखिलेश साई, बीबू साई, राहुल साई लगना लोग मारे लगनी छापे, हम लोगन मार दी है ना, मारत मारत हम बेजरी लुगन उची लुगन दी है ना, ओकर दब के तो गोड़वा पर गिरी नहीं माने लोग, मरते रहे लोग, मरते लोग रहे, इतना गोड़े पर गिरत गिरत हमार तबीयत खराब भी हो गल, ढकेल फकेल मार लुगन दी है ना, हम के बहुत चिरौरी करी कह ना, तुम्हारे चमैन मधर चौध बहुत गारी दी है ना लोगन, मधर चौध सब बनौल कौने पर हम गोड़े पर गिरता रह गईनी, हमारे बाबू के लोग नाय छोड़ा कह लोग बुट्टी बुट्टी तुम्हारे लड़का के काट के नहली में फेंक देवे। थाना ओना में तहरीर दिया ले? हाँ कुछ सब कह ले, मुकदमा वगैरह दर्ज भइल है? हाँ तो कोई पकड़ गई लोग नहीं, क्यों अभी नहीं क्या केहू गई, तो का कहत उमर चरण माध्यम से कहत नहीं लोग बंद हो जाल। हाँ जानवर खतरा भी बा, तो जान का खतरा बा, कहीं लड़के अब हम चौराहा पर हो सड़की पर ले ना जा पाओ तो नहीं जा। हाँ ये कुल तो बात ही बा, चमैन में सब बनौले मरले वरले, अब कहे चमैन भोसड़ी वाली मधर चोद वाली बचा रह, तो क्या कहना चाहेंगे? हम चाहते नहीं लोग झुक जालू बंद हो जालू। हाँ पते के साथ बताइए। तुलसी प्रसाद, ग्राम सिंहा, थाना रामकोला, जिला कुशीनगर। क्या समस्या है आपकी? समस्या यह सर कि अखिलेश्वर शाही के छोटे भाई की बरही थी जी। अब बरही में हमारे लड़के आकर के हमारे यहाँ कहे थे कि आप लोग खाना खा लीजिएगा, एक एक आदमी, उसमें कार्ड नहीं मिला था और पूरे लोगों को कहे थे खाने के लिए, लड़का हमारा गया खाना खाने, खाना खाने के बाद बगल में ऑर्केस्ट्रा चल रहा था, उसमें हमारा लड़का जाकर कुर्सी लेकर बैठ गया, जिसमें गांव के इनके परिवार राहुल साई, पुत्र प्रमोद साई आए, लड़के को बैठे देख करके कहे कि तुम किसके लड़के हो, लड़का हमारा बताया कि हम तुलसी प्रधान के लड़के हैं, इतना कहते कहते उसको एक चाटा मारे और कहे इतना किसी साली के वजह से हम लोगों को भूजा भूजना पड़ा है। और क्या कोई पुरानी रंजिश थी? पुरानी रंजिश है उनके बाबा के ज़माने में 1991 में उनकी ज़मीन सीलिंग में निकली थी, उसको हम गांव में बंटवा दिए थे। पूर्व प्रधान थे, रह चुके हैं आप ना? हाँ पूर्व प्रधान 5 से 10 तक रहा, उसके पहले वो ज़मीन बंटवा दिए, और ज़मीन बंटवाने के बाद उसमें पैरवी करते थे, यही मामला था, और सारे लोग कब्जे में हैं, इसी को देखकर लड़के को मारा। लड़का वहाँ से आया तो बिभू साई, अखिलेश्वर साई परिवार खड़े थे लोग, लड़के को वहाँ से कमरे में बंद कर दिए, और उसके बाद से 12:30 पर
हमको फोन किए रात में फोन किए कि ये प्रधान तो हम कहे कि कहाँ है, तो आइए। वहाँ गए तो ये हमसे कहे कि लड़कवा का खिलौले बड़ा तू, तो हम कहे कि भाई हम कुछ जानते ही नहीं हैं। तो कहे लड़के को बंद किए हैं, कमरा में ले गए, लड़के को ज्यों ही खोले वहीं मारना शुरू कर दिए। हम हमारी पत्नी जो पैर पर गिरते इतना गिरे, उसके बाद से तनिको भी हमारा प्रयास सुने नहीं, और कहे इस साले को मार करके हाथ गोड़ तोड़ दूंगा, टंगड़ी दर्द चीर दूंगा, पढ़ौना में इसको बूटी बूटी कटवा कर फेंकवा दूंगा। किसी तरीके से बड़ी मशक्क़त से हम हमारी पत्नी लड़के को छुड़वा करके अपने घर लाए। यही मामला है, इस मामले में दरखास्त डाला गया है। अब उसके बाद से हमारा FIR दर्ज हुआ 19 तारीख को, इनको जानकारी हुई है। कौन कौन धारा लगा, कौन कौन थाने पे आपका मुकदमा दर्ज हुआ? रामकोला थाना। कौन कौन धारा लगा है, कौन कौन सा धारा लगा? थाना बोलिए, कौन कौन सा धारा लगा है? 191(2) पोस्ट में है, 115 पोस्ट में, 392(2) पोस्ट में, 2 है, और 126 पोस्ट में, 2 और 76, और उसके बाद से 3 पोस्ट में, 2, 1, 2, उसके बाद से 3 पोस्ट में, 1 पोस्ट में घ, और तीसरा 3 पोस्ट में, 1 WI। हरजनेट लगाएगा नहीं लगा है? जी यही है, हरजनेट लगाया। हरजनेट लगने के बाद गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई है? गिरफ्तारी नहीं हुई। इसके बाद ये हमारा एप्लीकेशन देख करके ये काफी अपने ड्राइवर वृद्धा अपनी पत्नी को लेकर के यहाँ आया, और उसके बाद से वो जाकर हमारे पर झूठे दरखास्त डलवा दिया है। और हम सर कह रहे हैं कि उसका जांच हुए, जिस गांव की वो औरत है और वृद्धा ड्राइवर, उनके घर से पूछा जाए। पते के साथ रामलाल, पता ग्राम सिंह टोला पचपड़वा। तुलसी प्रसाद जी जो है पूर्व प्रधान, कोई महिला यहीं की महिला है, वो आरोप लगा रही है छेड़छाड़ का, क्या सही है? हाँ, ये लगाई है, लेकिन कि वो हमारे यहाँ की है, जो उसकी औरत जिसका पति वो वहाँ काम करता है, ड्राइवरी करता है, गोर गोधार, उसी को फंसा कर कुछ इसमें डाले हैं सब। तो इसमें कितनी सत्यता है? इसमें सत्यता तो डाले हैं, ये जानते हैं कि डालते हैं, लेकिन है नहीं यहाँ कुछ है। ऐसा उस औरत गई भी नहीं थी वहाँ। हाँ। लेकिन झूठ इल्जाम लगाया गया है, झूठ प्रसाद पे झूठ इल्जाम लगाया गया है, क्योंकि 12 बजे की घटना है। 12 बजे औरत शाम से 2-3-5 बजे तक घर थी, तो कैसे चली गई? बिल्कुल गलत है, तुलसी प्रसाद के ऊपर केवल आरोप लगाया गया है, गलत है, गलत है। मारपीट का मामला था क्या वहाँ पर? हाँ, वहाँ हुआ था, वहाँ उस समय हम लोग उतना ही थे, लेकिन वहाँ हुआ था। क्या नाम है, पूरा पते के साथ बताइए। अमरनाथ नाम है मेरा, ग्राम सिंघा टोला पछड़वा के जिला कुशीनगर के निवासी हैं। ये जो तुलसी प्रसाद जो पूर्व प्रधान है, आपको मालूम होगा कि एक विवाद चल रहा है। हाँ, उसमें उनके इसी मोहल्ले के कोई महिला है जो आरोप लगा रही है छेड़छाड़, क्या सत्यता है? बिल्कुल गलत है, इसमें 0% है, और वो महिला जो है बिल्कुल गलत तरीके से आरोप लगा रही है, और वो गलत भी है। उसका हस्बैंड जो है उनके यहाँ काम करता है। हस्बैंड का क्या नाम है? हस्बैंड का नाम है उनके वृद्धा प्रसाद, ठीक। वो उस साहिब जी के यहाँ काम करते हैं, उनको जो है दबाव में ला करके और महिला का जो है FIR दर्ज करवाया गया है तुलसी प्रसाद के खिलाफ। इसमें कोई सत्यता नहीं, इसमें कोई सत्यता नहीं है, बिल्कुल ये झूठा है। अरे ये बताइए, वहाँ जो विवाद हुआ था आपको घटना मालूम है ना? हाँ, वहाँ पे घटना हुआ, तो उसी को लेकर या फंसाने का काम किया जा रहा है जो? हाँ, बिल्कुल उनको फंसाने का काम किया जा रहा है, और तुलसी प्रसाद के लड़के के साथ साहिब जी जरूर मारपीट किए हैं, और बढ़िया से मारपीट किए हैं, घर में बंद करके मारपीट किए हैं, उसका वीडियो भी वायरल हुआ है। अच्छा अच्छा, ठीक है। उसको जो है दबाने के लिए इस महिला का जो है उनके ऊपर झूठा केस बनाया, यानी जो दरखास्त अर्जेंट लगा है उनके द्वारा लगाया गया, मत लगाए हैं जो दरखास्त डाले तुलसी प्रसाद जी, तो साई जी के ऊपर अर्जेंट लगा है जी। उसी को कार्ड के लिए एक महिला को पकड़ कर पैसे पे खरीदा गया है। हाँ? जी जी बिल्कुल, पैसे पे खरीदा गया है। हाँ, खरीद कर उसको जानबूझ को फंसाया जा रहा है उनको। कई जो पूर्व प्रधान जी हैं, हाँ। इनका मामला कोई था क्या जो मारपीट वाला हुआ है वहाँ पर?
कोई मामला ऐसा नहीं है, बनावटी बनावटी सब कुछ होगा। हाँ, यहाँ का जो महिला है वो आरोप लगा रही है पूर्व प्रधान जी पर, वो हमारे साथ छेड़छाड़ किए हैं। अपन बांस ले गए गाँव में, तो लोग गाड़ी सुना था अपन ही, जब बांस सब ले गए गाँव का लोग गाड़ी देती है। क्या ये सही है कि गलत है? साहब बिल्कुल गलत है, फंसाओ फंसाओ जाता है। हाँ, प्रधान जी हाँ, पूरे गाँव से पूछी हम सब भर का पूरे गाँव से मेहरारू से पूछी मेहरारू मेहरारू गाड़ी देते ढूंढे गाँव के।